इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इतने बड़े देश में ऐसे काफी सारे इश्यूज होते हैं जिन पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाती है और ये पब्लिक के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, रोड सेफ्टी एटसेट्रा। ऐसे में कोई भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। कोर्ट में पब्लिक की भलाई के लिए या आम जनता के फायदे के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करने को PIL कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि PIL की कंसेप्ट दुनिया में सबसे पहले USA में आया था। भारत में PIL का इमर्जेंस जुडिशियल एक्टिविज्म से हुआ है। 1979 में एडवोकेट कपिला हिंगो रानी ने बिहार की जेलों में बंद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बेल देने की मांग की थी। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इनह्यूमन कंडीशंस में बेसिक एमिनिटीज के बिना रह रहे थे। इसी केस में जस्टिस PN भगवती ने पहली बार इस कंसेप्ट को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया था। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ PIL इन इंडिया भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि PIL मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?